अभी सामने निकल कर आई एक बड़ी खबर, अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर मामला। अतीक हत्याकांड के बाद की सबसे बड़ी खबर, शाइस्ता ने सीएम योगी की तारीफ की। तेजी से वायरल हो रहा है एक पत्र। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद एक पत्र वायरल हो रहा है। तब अतीक अहमद द्वारा सीएम योगी की तारीफ की गई थी, जिसके बाद शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा था। अब माफिया की हत्या के बाद पत्र वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सीएम योगी को लिखे पत्र में शाइस्ता परवीन ने लिखा है, मैंने टेलीविजन पर अपने शौहर पूर्व सांसद अतीक अहमद साहब का बयान सुना। उन्होंने आपको बहादुर, ईमानदार और मेहनती कहा। बेशक उन्होंने ठीक ही कहा है, क्योंकि वे बहुत साफ बात करते हैं। अपने शौहर के बयान को सुनकर मेरा मन हुआ आपको पत्र लिखने का और आपसे मुलाकात का। अतीक अहमद की पत्नी ने आगे लिखा, हम लोगों के खिलाफ बहुत सारी कार्यवाही हुई, किंतु मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बीजेपी अपने हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे पर लगी है। मुझे शिकायत ये है कि मेरी 18-20 साल के पढ़ने वाले छात्र बच्चे जेल भेजे जा रहे हैं। मेरा अली जो कि 18 साल का और अभी 12वीं क्लास पास करके यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लेने जा रहा था, उसको सस्ती लोकप्रियता के लिए यहां से कुछ पुलिस अधिकारियों, जिसमें प्रमुख रूप से आईजी प्रयागराज शामिल हैं, ने हम लोगों की विरोधियों से मिलकर बहुत पैसा लेकर मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया। एक पुलिस अधिकारी ने जो जल्दी ही रिटायर होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ बिल्कुल फर्जी मुकदमा लिखवाया और तुरंत इनाम घोषित करके उसे जेल भेज दिया था।